दोस्तों डिजिटल मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों हम सभी के मोबाइल के अंदर मैजिक जबरदस्त खुफिया सेटिंग छुपा हुआ है, जिसके बारे में आप लोग को नहीं पता होगा कौन से सेटिंग है। ये एक्सेसिबिलिटी सेटिंग, ध्यान से देखो, ये जो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग आप जो देख रहे हो ना, इसी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर जो ना मैजिक खुफिया राज खुफिया सेटिंग छुपा हुआ है। यदि आप इसका काम जान लेते हो ना तो आपका होश उड़ जाएगा, बिल्कुल ही चौंक जाएंगे। मेरे कमेंट के अंदर आप लिखोगे कि यार एक्सेसिबिलिटी सेटिंग अंदर ऐसा भी काम हो सकता है, ऐसा भी खुफिया राज हो सकता है जो मुझे कहां से पहले पता होना चाहिए, जो इसी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर छुपा हुआ है, जो आज के इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। दोस्तों ये जो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग आप जो देख रहे हो ना, दुनिया में जितने भी फोन है उन सभी फोन के अंदर एक्सेसिबिलिटी सेटिंग जो मिल जाता है, लेकिन इसका काम आप लोग को नहीं पता होगा कि ये क्यों आता है मोबाइल के अंदर, इसका क्या मतलब है, आज पता चलने वाला, वो भी 2024 में। दोस्तों अगर आप भी सबसे पहले जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो कि इस एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर ऐसे कौन से खुफिया राज खुफिया सेटिंग छुपा हुआ है, इससे क्या फायदा होगा, मैं आपको टोटल 4 खुफिया सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर छुपा हुआ है, जो बिल्कुल मजा आने वाला है। तो आज का वीडियो पूरा ध्यान से देखना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कहता वीडियो स्टार्ट में नाम सितारे और आप देख रहे हो वटोगा YouTube चैनल। दोस्तों अगर आप सबसे पहले जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो ना, तो एक छोटी सी काम करना होगा, इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा, बिल्कुल फ्री होता है। दोस्तों टॉपिक ढूंढने में, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, लेकिन अगर आप एक लाइक कर देते ना, मुझे काफी मोटिवेशन खुशी मिलता है, जो फ्री होता है लाइक करना, लाइक जरूर कीजिएगा। चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल पे ऑल पे सेट करना, इस वीडियो को जो ना ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा। कमेंट के अंदर जो ना एक्सेसिबिलिटी सेटिंग लिखना होगा या नाइस वीडियो या ट्रिक लिखना काफी जरूरी है, सभी को लिखना कमेंट। तो बस ये छोटी सी काम करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, मोबाइल के सेटिंग में चले जाना होगा। तो जैसे मोबाइल के सेटिंग में जाओगे, एडिशनल सेटिंग्स में मैं चले जाता हूं, यहां पे एक्सेसिबिलिटी सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगा। इस एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर मैं जाता हूं ना, मैं आपको सबसे पहला खतरनाक खुफिया राज मैजिक खुफिया सेटिंग के बारे में बताऊंगा, अगर आप इसका काम जान करके बिल्कुल ही चौंक जाएंगे। तो सबसे पहला मैं आपको खुफिया सेटिंग बताऊंगा। तो ये जो आप देख रहे हो ना, सिलेक्ट टू स्पीच नाम करके जो सेटिंग है ना, इस पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये सेटिंग बंद है, ऑन कर देना होगा। ऑन करने के बाद दोस्तों आपको ओके पे क्लिक करके यहां पे देख सकते हो बैक बटन, होम बटन, फिजिकल बटन, यहां पे एक और नया एक्स्ट्रा बटन यहां पे आ जाएगा। ध्यान से देखना, यहां पे एक आदमी का निशान यहां पे आ जाएगा, आइकॉन आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये आदमी का आइकॉन देख रहे हैं ना, ये आइकॉन आ जाएगा। तो इस आइकॉन का क्या मतलब है, इसका क्या यूज है, मैं आप लोग को बता देता हूं, इसका मैजिक बता देता हूं, इसका काम जान करके आप बिल्कुल मजा आ जाएगा, बिल्कुल ही खुश हो जाओगे। आप सोचे हो काश मुझे पहले पता होना चाहिए, तो इसका काम बता देता हूं। इसका काम यह है कि मैं कोई भी सोशल मीडिया ऐप को मैं ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको जो ना, यहां पे कोई भी सोशल मीडिया ऐप को मैंने यहां पे ओपन कर लिया, व्हाट्सएप को ओपन कर लिया हूं। जैसे ओपन करने के बाद दोस्तों देख सकते हो कि कभी ना कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको हिंदी नहीं आता, या आपको अंग्रेजी नहीं आता, या आपको कभी कभी क्या होता है कि आपको अंग्रेजी भी पढ़नी आता है, आपको हिंदी भी पढ़नी आता है, लेकिन आपके पास उतना समय नहीं होता है लंबा चौड़ा आर्टिकल पढ़ने के लिए। कभी कभी आपको पता होगा व्हाट्सएप के अंदर या कोई आप जो ना ब्राउजर के अंदर जो ना आप कोई भी वेबसाइट के अंदर आर्टिकल पढ़ते हो, न्यूज पढ़ते हो, तो आप लोग के पास उतना समय नहीं होता है आपको आर्टिकल रीड करने का, और आप पढ़े लिखे भी नहीं, कभी कभी नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे में कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मोबाइल खुद पढ़ करके बताएगा। ये एक्सेसिबिलिटी सेटिंग की मदद से जो आप लोग को नहीं पता होगा, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो हिंदी पढ़ के बताएगा, अगर आपको हिंदी भी नहीं आता तो हिंदी सुना के ही बताएगा ही बताएगा, तो कैसे होगा, इसका काम यह है इस आदमी का। तो इस आदमी पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों जो भी आर्टिकल को पढ़ना है, जो भी मैसेज को पढ़ना है लंबा चौड़ा, बस आपको इसको सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं यहां पे सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, और यहां पे साउंड को बढ़ा देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे मैं साउंड को देख सकते, साउंड बढ़ा दिया और ऑटोमेटिक सुर कर यहां पे पढ़ करके यहां पे बता रहा है, आप खुद सुन सकते हो। मैं यहां पे लेके जाता हूं, डिवाइस में इस्तेमाल कर पाएंगे, मतलब एक समय में एक अकाउंट को एक से ज्यादा डिवाइस पर इस्तेमाल किया जा सकेगा, साथ ही इस दौरान इस अकाउंट पर अलग अलग काम किया जा सकेगा। तो दोस्तों देखा ना, यहाँ पे ऑटोमेटिक मोबाइल यहाँ पे खुद पढ़ करके सुना रहा है। अगर आप फिर भी जो है ना दोबारा सुनना चाहते हो तो यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर चला गया। यदि आप फिर से आप जो ना शॉर्टकट सुनना चाहते हो ना, तो यहाँ से भी आप शॉर्टकट इस्तेमाल आप कर सकते हो। जी हाँ, आप इसे बंद करना चाहते हो, बस आपको लाल वाला बटन पे क्लिक करना, ये बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ना मैसेज को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आप पॉज भी कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर आपको जो ना हिंदी को इंग्लिश करना चाहते, हिंदी को इंग्लिश करना चाहते, या हिंदी को अंग्रेजी करना चाहते हो, तो यहाँ पे टेक्स्ट भी मिल जाएगा, यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ से लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी लैंग्वेज आपको आता है, जो भी सुनना चाहते हो यहाँ से आपको देखने को
मिल जाएगा। तो काफी जबरदस्त है, काफी कमाल का इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो जो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर छुपा हुआ। ये सेटिंग और ये फीचर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पे दूसरा जबरदस्त कमाल का खुफिया सेटिंग के बारे में बताऊंगा, मैजिक खुफिया राज के बारे में, बिल्कुल कमाल का जबरदस्त जो आपको पता होना चाहिए जो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर छुपा हुआ, इसका भी काम जान करके बिल्कुल हैरान हो जाओगे। तो सबसे पहले मोबाइल के सेटिंग में जाता हूं, एडिशनल सेटिंग्स में जाता हूं, जाने के बाद एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर जाता हूं। जाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना, एक मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग देखने को मिल जाएगा। कौन सा सेटिंग, ऊपर में मिल जाएगा, नीचे नहीं, ज्यादा नीचे हो गया। तो यहां पर मिल जाएगा रिमूव एनिमेशन, आपको देखने को मिल जाएगा रिमूव एनिमेशन। ये सेटिंग बंद है, बंद नहीं करना, यहां पे ऑन कर देना होगा। ऑन करने से क्या फायदा होगा दोस्तों, इसका फायदा यह होगा कि आपका मोबाइल जो ना बिल्कुल बूस्ट हो जाएगा, सुपर फास्ट मोबाइल चलने लगेगा। अगर आपका मोबाइल बिल्कुल हैंग करता है, अटक अटक के चलता है, रुक रुक के चलता है, जब भी आप कोई ऐप ओपन करते हो तो बिल्कुल स्लो ओपन होता है, तो ऐसे में क्या कर सकते हो कि जो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर जो एनिमेशन है ना, इसको मैंने क्या किया यहां पे ऑन कर दिया, यानी कि ऑन करने के बाद जितने भी मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन के अंदर जो एनिमेशन होता है, जो फ्लोटिंग होता है, जब भी ओपन करोगे ना तो वहां पे एनिमेशन आता है, ठीक है, तो वो एनिमेशन को रिमूव कर देता है। जब रिमूव कर देगा ना तो एप्लीकेशन बिल्कुल फास्ट ओपन होगा, मोबाइल भी काफी स्मूथ चलेगा, जरक नहीं पड़ेगा प्रोसेसर पे, रैम पे, इससे मोबाइल काफी ज्यादा फास्ट होने वाला है। तो ये सेटिंग ऑन करना काफी जरूरी है, जो काफी जबरदस्त कमाल का है, जो आप लोग को पसंद आएगा। अब बात करते हैं यार जो है ना इसी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर जो है ना तीसरे नंबर का बिल्कुल जबरदस्त कमाल का खुफिया सेटिंग के बारे में बताऊंगा। कमाल का फीचर है, जबरदस्त है, इसका यूज आप कर सकते हो। इसका यूज कब कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा, इसका क्या फायदा मैं आपको बताऊंगा। मैग्निफिकेशन यहां पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे मैग्निफिकेशन यहां पे नजर आता होगा, इस पे क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो सेटिंग बंद है ऑन कर देना होगा। जैसे आप ये सेटिंग को ऑन करोगे ना, इसका क्या यूज है, इसका क्या मतलब है भाई, इसका क्या यूज है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों मान के चलो कि आपको देखने में दिक्कत होता है, आपकी आंख में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चश्मा वगैरह आप लगाते हो, यानी कि आप दूर का आप नहीं देख पाते हो, यानी कि छोटा-छोटा जो वर्ड होता है ना आप नहीं देख पाते हो, चश्मा लगाना पड़ता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, ऐसे में क्या कर सकते हो कि ये सेटिंग को ऑन करोगे ना तो क्या होगा कि आप जूम कर सकते हो, वो वर्ड को जो है आप जूम कर सकते हो। कैसे जूम कर सकते हो मैं आपको बताऊंगा। ये जो आदमी देख रहे ना, इस आदमी पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहां पे डबल टैप करना होगा। जैसे डबल टैप करें और यहां पे देख सकते हो यहां पे जूम होना स्टार्ट हो चुका। आप जो ना एक बार डबल टैप करोगे ना, आप फिर दोबारा जो ना डबल फिंगर से ऐसे जूम कर सकते हो, देख सकते हो कितना ज्यादा यहां पे जूम हो चुका। आप जो भी वर्ड को पढ़ना चाहते हो, जो भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो बिना ग्लास का भी, बिना चश्मे का भी आप कोई भी वर्ड को आप पढ़ सकते हो यहां पे, जैसे कि आप रीड कर सकते हो। बिल्कुल जबरदस्त यूजफुल है। नॉर्मल करना चाहते हो यहां डबल फिंगर से करें, यहां पे यदि आप इस आदमी पे जो ना क्लिक करोगे ये नॉर्मल हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो। इसका यूज करना चाहते, इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, तो आप नहीं करना चाहते हो आप इसे बंद भी कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता इसी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग की चार नंबर का यानी कि लास्ट वाला खुफिया राज और कमाल का सेटिंग के बारे में बताऊंगा। इस सेटिंग की मदद से जो ना आप अपने मोबाइल की ऑडियो क्वालिटी को जो ना आप जो ना डीजे बना सकते हो, यानी कि ऑडियो क्वालिटी को जो ना आप डॉल्बी बना सकते हो। इतना ज्यादा आपको आवाज आएगा ना, इतना बूस्ट हो जाएगा, वो भी हाई क्वालिटी में, आपको जो ना एचडी क्वालिटी में, मोबाइल स्पीकर का हो या एयरफोन का हो, क्वालिटी को आप बढ़ा सकते हो। कैसे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों एक्सेसिबिलिटी सेटिंग को ओपन करना, आपको ओपन करने के बाद नीचे जाना होगा, यहां पे क्या लिखा, साउंड यहां पे लिखा होगा, एम्पलीफाइड साउंड, एम्पलीफाइड लिखा होगा, इस पे आपको क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे क्या लिखा, ओपन साउंड एम्पलीफाइड आपको देखने को मिल जाएगा। मोबाइल स्पीकर को हो या एयरफोन को हो या ब्लूटूथ को जो ना एम्पलीफाइड बना सकते हो, आप डीजे बना सकते हो, आपको डॉल्बी साउंड आपको देखने को मिल जाएगा। इतना ज्यादा हाई क्वालिटी एचडी क्वालिटी में आप ऑडियो सुन पाओगे ये सेटिंग की मदद से। तो आपको करना क्या, ओपन एंड और यहां पे साउंड एम्पलीफायर इस पे क्लिक करना होगा। एम्पलीफायर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, सबसे पहले दोस्तों आपको एक्टिवेट करने के लिए आपको मोबाइल के अंदर एयरफोन लगाना पड़ेगा। तो चलिए यहां पे एयरफोन में लगा लेता हूं। तो जैसे एयरफोन लगाने के बाद यहां पे एक्टिवेट हो चुका। एक्टिवेट होने के बाद दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं मीडिया, मीडिया यानी कि गाना वगैरह सुनते हो, ऑडियो सुनते हो, जो भी चीज सुनते हो ना, आपको मीडिया पे सिलेक्ट कर लेना होगा, फोन मीडिया पे, और ये सेटिंग बंद होगा, ऑन कर देना होगा। जैसे ऑन करने के बाद यहां पे क्या लिखा, बूस्ट यहां पे लिखा हुआ है, क्वालिटी बूस्ट
क्वालिटी साउंड यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा, हाई क्वालिटी यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा, यानी कि इतना ज्यादा क्वालिटी यहाँ पे साउंड यहाँ पे बढ़ जाएगा ना, इनहेंस हो जाएगा, जो आप सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल जबरदस्त कमाल का है, जो आप अपने साउंड को जो ना बढ़ा सकते हो, हाई क्वालिटी कर सकते हो, यहाँ पे पूरा आप साफ पढ़ सकते हो, यहाँ पे बूस्ट हो जाएगा मोबाइल के स्पीकर का साउंड, यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। तो यही था चार सेटिंग जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया, जो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर छुपा हुआ था, जो आप लोग को नहीं पता होता। तो ये जो चारों एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर मैंने जो बताया हूं, सबसे ज्यादा बेस्ट और सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल और प्रेस करना दोस्तों। फिर मिलेंगे दोस्तों, अपने ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड गुड बाय।